विस्तार से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया है, जहां उपचुनाव वाली सीटों पर भूमि पूजन करने को लेकर पूर्व मंत्री ने सीएम शिवराज पर तंज कसा। उन्होंने सीएम शिवराज के भूमि पूजन को फर्जी बताया, साथ ही कहा प्रदेश कोरोना महामारी से पीड़ित है, डेथ रेट 10% हो गया है, हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, वहीं लोग बेरोजगार हो रहे हैं लेकिन सीएम फर्जी भूमि पूजन करने में व्यस्त हैं। लोगों को राशन देंगे 16 तारीख से, राशन मिल नहीं रहा है लोगों से, और छोटे गरीब लोगों के काम धंधे बंद हो गए, किसानों के काम धंधे बंद हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल घोषणा है, इससे कुछ होगा नहीं, और उन चुनाव क्षेत्रों में जितने भी हो रहे हैं फर्जी हैं पूरे, क्योंकि पैसा है नहीं सरकार के पास। गद्दार कौन है जिन्होंने पार्टी छोड़ के गए और जनता को धोखा दिया है, इसलिए ये पब्लिक है, सब जानती है कि गद्दार कौन है। निश्चित तौर पर जिस तरह से जो 3 अध्यादेश आए हैं, ये पूरे ये अध्यादेशों को वापस लेने की मांग है, इसलिए एक पदयात्रा भी हजार से हुई थी, उसके लिए ये हो रहा है। प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी